बड़गांई अंचल की 8 एकड़ 46 डिसमिल जमीन के घोटाले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की 10 दिनों की ईडी रिमांड समाप्त होने पर आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। रिमांड नहीं मिलने पर पेशी के साथ उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया जाएगा। गिरफ्तारी के 14 दिनों तक ही आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा सकती है। ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इसे देखते हुए ईडी अधिकतम 13 फरवरी तक रिमांड पर लेकर पूछताछ करने को अधिकृत है। ईडी आरोपों को लेकर 2 बार हेमंत सोरेन से 10 दिनों तक पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने हेमंत को 31 जनवरी को गिरफ्तार कर 1 फरवरी को अदालत में पेश किया था, जहाँ से उन्हें न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया। 3 फरवरी को ईडी हेमंत को जेल से अपने साथ ले गई थी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।